भाई फ्रेश ड्रॉपिंग है, यहाँ ड्रॉपिंग है दोस्तों, यहाँ है प्रेजेंस। ये देखें आप सड़क पर, जो इस वीडियो के नीचे शॉप का जो ऑप्शन आ रहा होगा, जो कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे होंगे, अगर इसमें पसंद आते हैं या अंदर जाकर आप कुछ भी पसंद करते हैं तो उसमें जो है हमें सपोर्ट मिल जाती है। जो पत्तों के बीच से होती हुई नज़र आती है आपको, और सबसे बड़ी बात अभी तक लंगूर मिले हैं, उसके अलावा अभी तो कोई वाइल्ड लाइफ नहीं मिली है। लेकिन 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 जंगल जो है हमेशा अनएक्सपेक्टेड रहता है, कभी भी कुछ भी हलचल हो जाती है और एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ जाता है। इस क्षेत्र में घूमना, गाड़ी से उतरना, सर्च लाइट या टॉर्च का प्रयोग ना करें, जीवों को परेशान ना करें, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। दिन में जो है अभी वाइल्ड लाइफ ही नज़र नहीं आ रही है हमें, और वैसे भी हम तो खुद ही बताते हैं कि वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर रास्ता पार कर रही है वाइल्ड लाइफ तो उसे पहले जाने दें, जैसे कि मतलब कुछ पिछली वीडियो में जहाँ ऐसा हुआ कि सांभर डियर के बच्चे को जाने नहीं दिया गया। भाई क्या ठंडक है यार, अल्टीमेट। ज़बरदस्त, ओहो भाई, ठंडी ठंडी हवा वहाँ से आ रही थी ना, ये गधेरा था। अब खुद देख लें कितना घना एरिया है ये, और ये जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया है, ये हमेशा हरा ही रहता है। इसके पत्ते मैंने कभी सूखते हुए गिरते हुए नहीं देखे, हमेशा ये हरा हरा भरा रहता है। और ज़बरदस्त एरिया, लेपर्ड की टेरिटरी है ये, साथ ही साथ टाइगर की भी। और हाथियों को तो पूछे मत, कभी भी कहीं से दिख जाएंगे आपको, हाथियों का तो एक गढ़ है। भाई अंदर भी टहनियाँ दबी हुई हैं, देखते हो चलो। घास वगैरह ना दोस्तों दबी हुई हैं, और हाथी का एक सीधा सा फंक्शन है कि हाथी जो है जंगल को खोलने का और जंगल में रास्ता बनाने का काम करता है। है वाइट कैप्ड रेड स्टार, ये भी अपने नेचुरल हैबिटेट में है। इसके सर पर एक वाइट सा आपको निशान दिख रहा होगा, ऐसा लगता है कि ये बर्ड के ऊपर एक कैप लगी हो, इसीलिए इसका नाम रखा है वाइट कैप्ड रेड स्टार। क्या खूबसूरत लग रही है, यहाँ काफ़ी नए बोर्ड लग गए हैं, कूड़ा फेंकना मना, सब जगह इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। वाह सुंदर नदी, यहाँ ड्रॉपिंग है दोस्तों, यहाँ है प्रेजेंस। ये देखें आप सड़क पर, दबी हुई है गाड़ी से, पुरानी है, लेकिन यहाँ कभी भी कहीं भी हाथी मिल जाते हैं, और बहुत ही ख़तरनाक और क्लोज एनकाउंटर हो जाता है यहाँ पर, बहुत ही केयरफुली चलना है। जंगल जितना सुंदर उतना ही रहस्यमय भी। भाई फ्रेश ड्रॉपिंग है, आवाज़ आ रही है मुझे टहनी की, देखते हो चलो, मैं आगे देख रहा हूँ। यहाँ से उतरा है हाथी, फ्रेश ड्रॉपिंग हाथी की।
यूपी चलें, मोड़ पर तो ऐसे झांकते हुए चलें भाई। फैसल फ्रेश ड्रॉपिंग थी बिल्कुल, देखिए ना राइट हैंड साइड। भाई ड्रॉपिंग ही ड्रॉपिंग है यार सड़क पर। जंगल है, कुछ भी मिल सकता है, इसलिए मैं छोटे गियर पर गाड़ी में चला रहा हूँ, दूसरे गियर पर। अगर जो है ना अचानक से कुछ भी आगे आता है, गाड़ी घुमाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। भाई क्या ठंडा है इस रोड पर, मज़ा आ गया। और दिल में एक अलग ही डर सा है, दिमाग में भी हाथी कहाँ मिलेगा। ड्रॉपिंग तो मिल गई है। अगर आपको हाथी के प्रेजेंस का पता करना हो, दो तरीके हैं। फुटप्रिंट मिल गए हमें, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी पीछे मिले थे। और ड्रॉपिंग बिल्कुल फ्रेश, वो भी यहीं पर हमें मिली। तो डाउट जो है हाथी का इस साइड ज़्यादा है कि हाथी यहाँ पर मौजूद है। जंगल देखें आप, बाप रे क्या डेंस फॉरेस्ट है यार, अल्टीमेट लग रहा है। दोनों तरफ देखें आप, यही तो मज़ा है, यही मज़ा है। और ठीक है, ड्रॉपिंग ये भी है भाई, और नमी इसमें भी है। चक्कर क्या भाई, दो ही हाथी हैं या ज़्यादा ही होंगे? मुझे तो ग्रुप लग रहा है भाई, है ना। जबरदस्त पेड़, लग रहा किसी को भी नहीं मिला, सिर्फ ऑटो वालों को मिला था, उसने ही हाथ दिया हमें फैसल कि ऐसे करके हाथी हैं। हाँ, इसका मतलब क्रॉस होते हुए उसके सामने हाथी आए। हाथी कभी भी ऐसे कुछ नहीं कहता, आप बस गाड़ी रोक लें और चुपचाप उसे जाने दें। अगर उसके साथ में बच्चा है ना, तो आप बस संभल कर गाड़ी को बहुत ही दूर रोक दें, क्योंकि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर रहती हैं उसकी माँ और उसके ग्रुप के साथी भी। और टस्कर है तो टस्कर तो ग्रुप का लाडला होता है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा केयर की जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छे से उसे देखा जाता है। तो बस उचित दूरी बना दे हमेशा, अगर छोटा टस्कर है झुंड में, वो ग्रुप का लाडला होता है वो। बाकी तो भाई जंगल दोनों तरफ से ज़बरदस्त लग रहा है, और सागौन के पेड़ है तो क्या हुआ, झाड़ियाँ बहुत हैं इसके नीचे भी। पानी की अच्छी मात्रा इसलिए मिल रही है क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड पर जो है ना नदी बह रही है एक छोटी सी, जो इस जंगल को मेंटेन करे हुए है, और मिट्टी में नमी भी लगातार बनी हुई है इससे। तो जो जड़ें होती हैं बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं, पेड़ आप देख ही रहे हैं, कम से कम 100 साल, 70, 80 साल पुराने पेड़ होंगे ये, बहुत बहुत बड़े पेड़ हैं। ड्रॉपिंग ये भी है भाई, तगड़ी मूवमेंट है हाथियों की, ज़बरदस्त। कहीं भी कभी भी कुछ भी मिल सकता है, बस निगाह मुझे रखनी है सामने, जैसे मिला गाड़ी को उचित दूरी पर रोक देना है। अब ये नहीं कि हाथी एक दिख रहा है, हाथी पीछे भी हो सकते हैं, इसलिए बहुत ही केयरफुली रहना है भाई। अबे फैसल, वो कैसा लग रहा है जंगल, ये देख तो, खतरनाक भाई। दूर तक ऐसा लग रहा है पेड़ बिल्कुल ज़मीन पर आ गए हो, है ना, और बहुत टाइम बाद भी आ रहे हैं, तो इसलिए मैं और ज़्यादा लग रहा है अंदर से ना, तो लगता है दोस्तों, लगता है तो रियल जंगल वाइब्स में, बहुत ही ज़बरदस्त अल्टीमेट जंगल है, ब्यूटीफुल। और केयरफुली चलना है हमें, क्योंकि ये टाइगर का इलाका भी है। ओए, ये क्या हुआ, अरे बाप रे दोस्तों, झाड़ियाँ साफ कर दी गई हैं यहाँ से, पहले कभी नहीं देखी मैंने आज तक। हाँ, इसलिए डेंस जैसा लग रहा है दोस्तों, यहाँ तक की जो है छटाई कर दी गई है, और इस साइड से भी, क्योंकि टाइगर का इलाका है, मैंने इसलिए बोला आपसे।
ओ भाई झाड़ियाँ भी बहुत घनी थी यहाँ यार, वहाँ पे ना जहाँ हम आते थे झाड़ियाँ बिल्कुल रोड पर आती थी उसकी। हाँ वही चीज़ है। चलिए एक चेंजेस मिला हमें देखने को जंगल में, और ये एक प्रकार से मान लें आप फायर लाइन कह लें इसे, क्योंकि ये फायर लाइन ही करी गई है क्योंकि ये टाइगर का इलाका है और बहुत ही ख़तरनाक और ख़ूबसूरत, जी हाँ दोनों मायने दिए जाएंगे उसे, क्योंकि टाइगर जो है बहुत ही ख़ूबसूरत है। ख़तरनाक तब जब आप उसके साथ कुछ गलत करेंगे तब, वरना वो भी इंसानों से और अदर वाइल्ड लाइफ से दूर रहना पसंद करता है एकांत में। मेटिंग सीज़न चल रहा है तो फीमेल जो है उसके आसपास ही होगी। जब मेटिंग सीज़न होता है तो वो एक टेरिटरी में जो है ना कम से कम दो टाइग्रेस को रख सकता है, और जितनी बड़ी उसकी टेरिटरी होगी उसमें से वो अपनी टेरिटरी थोड़ी सी डिवाइड कर देता है, जिसमें डिवाइड मतलब जो एक फीमेल होगी वो अलग रहेगी दूसरी फीमेल अलग, क्योंकि आपस में तो बनेगी नहीं उनकी। तो जब मेटिंग के लिए होगा वो तो वो करता है टाइगर कॉल, जी हाँ कॉल करता है, कॉल देता है मेटिंग के लिए, और कब्स के लिए अलग आवाज़ होती है, वो आगे का प्रोसेस है। अभी जो मेटिंग के बाद चल रही है उसमें वो निकालता है एक ज़बरदस्त साउंड। बढ़िया है, खूबसूरत है जंगल और यहाँ की वाइल्ड लाइफ भी, इंजॉय कर रहा हूँ मैं। आपको कैसा लग रहा है अभी तक वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ जो इस वीडियो के नीचे शॉप का जो ऑप्शन आ रहा होगा, जो कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे होंगे, अगर इसमें पसंद आते हैं या अंदर जाकर आप कुछ भी पसंद करते हैं तो उसमें जो है हमें सपोर्ट मिल जाती है। तो आप कुछ भी अगर प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं तो वो हमें एक बार कमेंट में भी सजेस्ट करें, तो हम अपने सब्सक्राइबर्स के लिए वो जो प्रोडक्ट की कलेक्शन है वो आपके लिए बना देंगे हम। तो अपने अलग अलग चॉइस, अलग अलग डिमांड रख सकते हैं, जितने प्रोडक्ट आएंगे हम उसमें अटैच कर देंगे या ऐड कर देंगे, तो बाकी आप अंदर जाकर देख सकते हैं कुछ भी, तो हमें जो है थोड़ा सा उसमें सपोर्ट मिल जाती है। वाओ ब्यूटीफुल जंगल भैया, वो पीछे जो जगह थी ना फैसल, बहुत ही अल्टीमेट लगी मुझे, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम देखा मैंने कि जंगल की ऐसे छटाई हुई है ना। यहाँ स्मेल है भाई, ध्यानपूर्वक चलना है। जिप्सियाँ भी आती हुई, लगता है मॉर्निंग सफारी करके वापसी कर रहे होंगे ये। और यहाँ पर जो है ज़बरदस्त पॉइंट है, तो देखते हैं उसकी खूबसूरती बहुत दिनों बाद। पहले इधर उधर देख लेते हैं। अबे पॉइंट है ना, आया तो उसमें वो एक रास्ता ये बना दिया है। चलिए काफ़ी चेंजेस हमें मिल रहे हैं देखने को। हाथी खाई बनाइए भाई, ये नई चीज़ है। राइट हैंड साइड जो है दोस्तों हाथी खाई खोदी गई है, जो कम से कम 2.5 से 3 या 3 से 4 फीट के गड्ढे होते हैं, जो कि अचानक से आने वाली वाइल्ड लाइफ को रोकते हैं, चाहे हाथी हो या कुछ भी हो, एकदम से सड़क पर हाथी नहीं आएगा। देखिए राइट हैंड साइड देखें आप, 3 से 4 फीट के गड्ढे हैं ये। बाकी अपना भंडापानी गेट, खैर
खैर वो तो सफारी वाला जोन है, हमारा बफर जोन ये है, हमें सड़क पर चलना है, वो सफारी का जोन हो गया, जिप्सी सफारी। बहुत ही खूबसूरत जंगल, मज़ा आ गया मुझे तो भाई, कितना डेंस हो गया ये सोचने वाली बात है। मानसून जबकि जा चुका है, नवंबर का महीना चल रहा है, कहाँ रुक गया, वाह ये थोड़ी खुली जगह है, इधर देख लो उधर देख लो, थोड़ी बर्ड्स की आवाज़ सुनाता हूँ आपको। शांत माहौल, चले ऊपर को थोड़ा, बहुत सुकून मिला यार, कितनी शांति थी है ना। भाई सबसे बड़ी बात तो ये आज मोड़ तक नहीं मिल रहा है, वही चीज़ है ना, जंगल हमेशा एक सा नहीं होता। हाँ मैंने तो ये सोचा था कि यहाँ का कोई वाइल्ड लाइफ मिलेगी, बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली है। भाई ये रास्ता कहाँ बनाया, सड़क के किनारे जितने पत्ते वगैरह हैं ना सब सूख रहे हैं। भाई ने तो गाड़ी को साइड ही नहीं करा जबकि हम चढ़ाई पर हैं, और जो यहाँ से जो है ना थोड़े चढ़ाई वाला जंगल है जैसा कि आप देख, बेहतरीन बेहतरीन, वाह ऐसे मोड़ों पर गाड़ी चलाने में बड़ा मज़ा आता है मुझे, और जहाँ दोनों तरफ हरियाली हो तो क्या ही बात है, अल्टीमेट व्यू, ब्यूटीफुल, एक अलग सी एनर्जी है ना आज, ज़बरदस्त वाइब्स हैं, काफ़ी दिनों बाद आना हुआ ना इस जगह इसलिए, और पूरा रोड हम जो है ना देख रहे हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं, काफ़ी जगह रास्ते खुले हैं, हो सकता है वो सफारी के लिए हों क्योंकि तो कुछ ना कुछ जोन बनने में लगे ही हैं। कोटा जोन यहाँ का न्यू जोन है, पंडा पानी गेट, देखते हो चलना कोई ना कोई अल्टीमेट वाइल्ड लाइफ मिल जाती है यहाँ पर, रेयर वाइल्ड लाइफ है। ओ भाई जब मॉनसून था तब कितना घना था ये सोचो, वो हम आ रहे थे है ना, ये क्या है सड़क पर, अच्छा काले रंग का कुछ था, वो लंबा था बड़ा, मुझे लगा सांप है। इन पत्थरों पर भी निगाह रखना, कुछ ना कुछ टहलता हुआ मिल जाता है। पॉर्क्यूपाइन जो है ना रात में हमेशा मिली है, हमें दिन में नहीं मिली, जब कभी आते हुए ना पहाड़ से हम। ज़बरदस्त अल्टीमेट जंगल, ब्यूटीफुल। अब भाई एक और खूबसूरत जगह है, यहाँ के नज़ारे हैं कुछ अलग ही, ये रास्ता भी जाता है एक गांव की ओर, लेकिन रिस्की है, अंदर जंगल भी है
ये देखिए पॉलीथीन फेंकी है, बस कर दिया मज़ा ख़राब। ये रास्ता भी जाता है एक गांव की ओर, लेकिन रिस्की है, अंदर जंगल भी है। ये देखिए पॉलीथीन फेंकी है, बस कर दिया मज़ा ख़राब, मज़ा ख़राब कर दिया जगह का। और भाई ये रास्ता भी बना, एक कितने रास्ते खोल दिए हैं यहाँ से। खैर होंगे वो सब सफारी के लिए, हमें तो रोड पर चढ़ना है। अरे ये सब तोड़ दिया गया, पता नहीं क्यों, पता नहीं यार, बहुत चेंजेस मिल रहे हैं देखने को। बहुत ही शानदार खूबसूरत, नीचे जी पूरा जंगल क्रॉस करते करते हम पहुंच गए लेटी गांव तक। गांव का नाम है लेटी, ये लिखा है। और यहाँ के जो नज़ारे हैं ना कुछ इस तरह हैं, वो आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। सामने बस आती हुई गांव वालों को लेकर, और यहाँ क्या है, ये ऊपर की ओर गांव है। ये जगह थोड़ी जाए ना सेफ लग रही है, लेकिन यहाँ पे भी वाइल्ड लाइफ आती है। यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं, सुकून लेते हैं यार, है ना। थोड़ा गाड़ी आगे लगा देता हूँ, अल्टीमेट। यहाँ पर है कुछ बटरफ्लाइज, मोर की आवाज थी। जितने भी आपको पेड़ नजर आ रहे हैं, ये है सब साल के पेड़, पूरा जंगल साल के पेड़ों से भरा हुआ है। तो दोस्तों जगह देखें आप, बहुत ही मज़ा आया, और चलते हैं अपना घर वापसी। तो आज की वीडियो, आज का ये सफ़र कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, दुआओं में याद रखें। सो टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।